रमजान स्पेशल में आज मैं आपके साथ क्रीमी और मजेदार ब्रेड सैंडविच बनाने की आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ब्रेड सैंडविच बहुत ही ज्यादा मजे से अब आप घर में बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी स्टफिंग बनानी होगी। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दें। अब इसमें चॉप की हुई गाजर, चॉप की हुई शिमला मिर्च और चॉप की हुई बंद गोभी डाल दें। ये तमाम वेजिटेबल्स मैं चॉपर में चॉप करती हूँ। इस तरह से आप बारीक वेजिटेबल्स को चॉप कर सकते हैं। 2 सेकंड तक आप इसको लो फ्लेम पे पकाएं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, तो मैं इसमें पहले बॉयल की हुई चिकन डाल दूंगी जिसे मैंने चॉपर में चॉप कर दिया है। चिकन डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दें। 1 टीस्पून जितना इसमें नमक डाल दें हसब ज़रूरत। 1 टीस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद 1 टीस्पून जितना इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करना होगा। अब इसमें 2 टेबल स्पून जितना सोया सॉस डाल दें। सोया सॉस डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दें। 2 टेबल स्पून जितना इसमें मैदा डाल दें साइड में, यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। 2 सेकंड तक इसको मैदे को पकाएं ताकि इसकी जो स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैदे को स्टफिंग में अच्छी तरीके से हल करने के बाद अब इसमें 1 कप जितना मिल्क डाल दें। यह क्रीमी और मज़ेदार मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। मिल्क डालने के बाद स्टफिंग को अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। 2 से 3 मिनट में आसानी से ये चिकन की स्टफिंग बनकर तैयार हो जाती है। रमज़ान में इस तरह की स्टफिंग आप बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। क्रीमी और मज़ेदार स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें। अब मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसिस लिए हैं, इसकी साइड को कट करना होगा। तमाम ब्रेड के स्लाइसिस को आप कट कर दें। इसकी जो साइड है इसको आप वेस्ट ना करें, इसके ब्रेड क्रम्स आसानी से बन सकते हैं। इसको आप चॉपर में चॉप कर कर ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तमाम ब्रेड के किनारों को कट करने के बाद अब आपको ब्रेड को बीच से 2 हिस्सों में कट करना होगा। मज़ेदार और टेस्टी क्रीमी सैंडविच इस तरह आप घर में बना सकते हैं। अब इसको बीच से 2 हिस्सों में कट करने के बाद अब एक स्लाइस को आपको उठाना होगा। इसके बीच में आप स्टफिंग लगा दें। स्टफिंग जो है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। चिकन वाली स्टफिंग इसके बीच में लगाने के बाद चम्मच की मदद से इसे प्रेस करते जाएं ताकि तमाम स्लाइस पे अच्छी तरीके से स्टफिंग लग जाए। अब जो एक दूसरा स्लाइस है उसे उठाने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से प्रेस कर दें ताकि ये खुले ना। हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसको आपको प्रेस करना होगा। तमाम चिकन के स्लाइस इस तरह बनाकर मज़े से आप खा भी सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरीके से बनाने के लिए आपको 2 अंडे लेने होंगे। अंडों को बाउल में डाल दें। अब थोड़ा सा मैं इसमें मिल्क डालूंगी। मिल्क डालने से ये इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना होगा। विस्क की मदद से अच्छी तरीके से आप इसे मिक्स कर दें। अब अंडों को एक साइड पर रखना होगा। अब आपको ब्रेड क्रम्स लेने होंगे। ब्रेड क्रम्स को एक डिश में निकाल कर एक साइड पर रख दें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रीमी सैंडविच बनकर तैयार होगी। सबसे पहले आपको सैंडविच लेना होगा। इसको सबसे पहले अंडे में कोट करना होगा। अंडे में अच्छी तरीके से आप इसे कोट कर दें। अब ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करना होगा। इस सैंडविच को आपको अच्छी तरीके से कोटिंग करनी होगी क्योंकि जब आप इसे फ्राई करें तो इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से इस पर ब्रेड क्रम्स लगाने होंगे। तमाम सैंडविच को इस तरह कोटिंग करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो इस तरह आपकी क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। 15 मिनट के लिए मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने पैन में ऑयल जो है वो गर्म कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे आपको ऑयल को गर्म करना होगा और इसे आपको फ्राई करना होगा। जब भी आप इसे फ्राई करें तो इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें ताकि इसका कलर जो है वो परफेक्ट आए। अब तमाम सैंडविच को मैं फ्राई करने लगी हूँ। जब भी आप इन्हें फ्राई करें तो इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। अच्छी तरीके से इन्हें फ्राई करने के बाद जब एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए तब आप इनकी साइड को चेंज कर दें। इस तरह के सैंडविच बनाकर आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी इफ्तार का टाइम है तो उसी टाइम आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज होने लगा है। 1 से 2 मरतबा इनकी साइड को आप चेंज कर दें। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार ये क्रिस्पी सैंडविच बनकर तैयार हो गए। बिल्कुल आसान और यूनिक तरीके से आज मैंने आपको ये सैंडविच घर में बनाना सिखाया है। अगर आप इस तरह के सैंडविच बच्चों को लंच में बना कर देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। तमाम सैंडविच जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैंने डिश आउट करने लगी हूँ ताकि इनका फाइनल लुक आपको दिखा सकूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। इनकी जो स्टफिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। अब मैंने एक डिश पे डिश आउट कर रही हूँ। इनके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के लिए रख दें। ये लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे।
अब मैं इनका फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी और मज़ेदार चिकन सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। क्रीमी चिकन सैंडविच बनाने की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। रमज़ान में इस तरह की और ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप इफ्तार के टाइम इस तरह के स्नैक्स बनाएंगे तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में। अगर आपको क्रीमी सैंडविच बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान स्पेशल में चिकन पैटीज़ बनाने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ब्रेड से चिकन पैटीज़ बहुत ही ज़्यादा आसानी से अब आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सैंडविच की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस रेसिपी को आप इफ्तार के टाइम ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसकी स्टफिंग बनाने के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दें। चॉप की हुई मैं इसमें गार्लिक डाल रही हूँ। लहसुन इसमें डालने के बाद इसको 2 से 3 सेकंड तक पकाएं। एक छोटा सा प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ इसमें आप डाल दें। हल्की आंच पे इसे पकाएं। 2 से 3 मिनट तक प्याज को इसमें पकाना होगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसमें 1 टीस्पून जितना मैं नमक डाल दूंगी, 1 टीस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स डालने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। ये स्टफिंग आप बनाकर काफ़ी टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब मैंने मिल्क लिया है 1 कप जितना, 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। कॉर्नफ्लोर से ये मिक्सचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बनकर तैयार होगा। अब इसको आप मिक्स कर दें। ये मिल्क वाला मिक्सचर स्टफिंग में डाल दें। बहुत ही ज़्यादा आसानी से स्टफिंग बनाने के तरीके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब इसमें चॉप की हुई शिमला मिर्च में डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी ये मिक्सचर बना कर रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून जितना इसमें सोया सॉस डाल दें। अब इसमें बॉयल की हुई और मैश की हुई चिकन में डाल दूंगी। 1 टीस्पून जितना विनीगर डालने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। कॉर्नफ्लोर की वजह से ये मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ये मिक्सचर बनकर तैयार होगा। अगर आप चाहें तो रोल वगैरह में भी ये स्टफिंग डालकर बना सकते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको आप थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें। रमज़ान स्पेशल में बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसिस लिए हैं। अब आपको ये करना होगा कि आप किसी भी कटर की मदद से इसके बीच में से इसको कट लगा दें। अगर इस तरह का आपके पास कटर नहीं है तो किसी ग्लास की मदद से भी आप इसे कट कर सकते हैं। और जो इसकी साइड है इसे आप वेस्ट ना करें, इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। चॉपर में जब इन्हें आप चॉप करेंगे तो परफेक्ट आपके ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडों को तोड़कर अच्छी तरीके से आप फेंट लें। रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा मज़े से ये रेसिपीज आप अपने घर में बना सकते हैं। अच्छी तरीके से फेंटने के बाद अब मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये ब्रेड क्रम्स आपको मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे और ये काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। अब जो मैंने ब्रेड के पीस रखे थे इसके बीच में आपको स्टफिंग रखनी होगी। ये स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। ब्रेड के स्लाइस पे अच्छी तरीके से आप स्टफिंग लगा दें। चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से स्टफिंग लगाने के बाद एक दूसरा स्लाइस उठाने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से प्रेस कर दें। इसी तरह तमाम ब्रेड पे मैं चिकन की स्टफिंग लगा दूंगी। इस तरह की ब्रेड बनाकर आप फ्रिज में काफ़ी दिनों तक भी रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे तब आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। बच्चों को ये रेसिपीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तमाम ब्रेड पे स्टफिंग लगाने के बाद जो चिकन बची है इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। अब इसकी कोटिंग के लिए सबसे पहले आपको इसको अंडे में कोट करना होगा। इसकी जो साइड है इसे आप अच्छी तरीके से अंडे में कोट करें, इससे जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। अब इस हाथों को साफ करने के बाद ब्रेड क्रम्स इसके अच्छी तरीके से लगा दें। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ब्रेड क्रम्स बहुत ही ज़्यादा आसानी से इस पर लगते जाएंगे। अब आपको फिर से इसे अंडे में कोट करना होगा। अब जो अंडा है मैं इसकी सिर्फ साइड पे लगाऊंगी। साइड पे लगाने से ये होगा कि इसकी स्टफिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये सैंडविच बिल्कुल परफेक्ट बंद हो चुका है। इसी तरह तमाम सैंडविच बनाने के बाद फ्रिज में मैंने रख दूंगी 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। जब भी आपका दिल करे तब आप उस टाइम इसे फ्राई करके खाएं। 1 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अच्छी तरीके से ये तमाम ब्रेड के स्लाइसेस बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें डीप फ्राई करूँगी।
ऑयल को मैंने मीडियम गरम कर दिया है। जब भी आप इन्हें फ्राई करें तो ऑयल को आप मीडियम गरम करें, इससे आपके ब्रेड जो है वो परफेक्ट फ्राई हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करने के बाद 1 से 2 मरतबा इसकी साइड को आप चेंज कर दें। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज होने लगा है। 1 से 2 मरतबा मैंने इसकी साइड को चेंज किया है ताकि इसका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार ब्रेड के ये पेटीज बनकर तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसे पेटीज अब आप घर में बना सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रमज़ान के हवाले से बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार ब्रेड से बने हुए पेटीज बनकर तैयार हो चुके हैं। अब देख सकते हैं कि ये लुक वाइज कितने परफेक्ट और मज़ेदार लग रहे हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट करने लगी हूँ। जब भी आप इसे बनाएं तो उसी टाइम खाएं, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा आपको क्रिस्पी लगेंगे खाने में। अगर आप इन्हें रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल नरम हो जाते हैं। इसकी जो स्टफिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। अगर आपको चिकन से बने हुए पेटीज़ की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की और ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बच्चों को ये आप लंच बॉक्स में बना कर दें, क्योंकि बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। बेकरी में बनने वाले परफेक्ट पेटीज़ की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा नरम और मज़ेदार सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। चिकन पेटी बॉक्स बनाने का आसान और परफेक्ट तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रमज़ान में इस तरह की मज़ेदार डिशेस अब आप घर में आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसकी जो स्टफिंग है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दें। जैसे ऑयल गर्म हो बोनलेस चिकन इसमें डाल दें। बारीक कटी हुई बोनलेस चिकन आपको इसमें डालनी होगी। 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएं। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तब इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दें 1 टीस्पून जितना। फिर से इसको मिक्स करना होगा। अब इसमें कुछ मैं स्पाइसेस डालूंगी। 1 टीस्पून जितना मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स इसमें आप डाल दें। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दूंगी। ये स्टफिंग मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब इसमें 1 टेबल स्पून भरकर आप क्रीम का डाल दें। क्रीम से ये मज़ेदार और टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार होगी। स्टफिंग जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। जब आप इसमें क्रीम डालें तो इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। अब इस स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसको फोल्ड करने के लिए मैं इसमें समोसा की शीट इस्तेमाल कर रही हूँ, जो आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे पेज पे इसकी फुल रेसिपी मौजूद है। सबसे पहले स्टफिंग इसके बीच में रख दें। अब इसको फोल्ड इस तरह करें जिस तरह मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा मैदा लें, उसमें पानी हल करने के बाद ब्रश की मदद से ये लगा दें। इससे जो चिकन पेटी आसानी से बंद हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह आपको ब्रश की मदद से इसको फोल्ड करना होगा 1 से 2 मरतबा। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो परफेक्ट आपको इस तरह करना आ जाएगा। तमाम इस तरह मैंने बंद कर दी है। अब इसे कोटिंग करने के लिए सबसे पहले आप इसे पहले अंडे में कोट करें। अंडे में कोट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। ब्रेड क्रम्स जब आप इसके ऊपर लगाएं तो हाथों से थोड़ा सा इसे प्रेस करें ताकि ब्रेड क्रम्स तमाम जगह पे अच्छी तरीके से लग जाए। चिकन पेटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। इस तरह तमाम पे मैं कोटिंग कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। अब मैं इसमें डीप फ्राई करने वाली हूँ। ऑयल को मीडियम आप गर्म कर दें और मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना होगा, क्योंकि ये हर चीज़ पकी हुई है, बस इसका कलर चेंज करना है। और इसे थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए आपको मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना होगा। जब एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए तब इसकी साइड को चेंज कर दें। 1 से 2 मरतबा मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी। रमज़ान के हवाले से बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ मेरे पेज पे मौजूद है। अगर आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की और ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ आप देख सकेंगे। 1 से 2 मरतबा मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। बस इसी तरह का कलर होना चाहिए तब आप इसे डिश आउट कर दें। छन्नी की मदद से तमाम चिकन पेटीज़ को मैं डिश आउट कर दूंगी ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल आए। मज़ेदार और टेस्टी चिकन पेटी बनकर तैयार हो चुकी है। चिकन पेटी बॉक्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से क्रीमी और मज़ेदार इसका मिक्सचर बन गया है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की और ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।